ओम शांति। अगर हम खुद के जीवन को देखते हैं, अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, आसपास सृष्टि पर जो हो रहा है वो देखते हैं, दुख, दर्द, अशांति, चिंता, नफरत, इसको स्वाभाविक हमने मान लिया है और हम अपनी दुनिया को घोर कलयुग कहते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया सदा इसी तरह घोर कलयुग रहेगी? और कितना ये कलयुग अतीत को जाएगा? परमात्मा का हमसे वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी, तो मैं स्वयं सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित होऊंगा। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म से, अपने ओरिजिनल स्वरूप से पूर्ण रीति परिवर्तन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसको ही अपना संस्कार मान लिया और फिर जैसा संस्कार वैसा ही संसार होगा। तो संसार कलयुगी रात्रि के दौर से गुजर रहा है और अब ये सिर्फ रात्रि नहीं रही, अब ये घोर रात्रि हो गई है। लेकिन घोर रात्रि के बाद सवेरा तो आना ही है, कलयुग के बाद सत्युग तो आना ही है। लेकिन ये सत्युग आएगा कैसे? हम आत्माएं जो अपने धर्म से पूर्ण रीति हट चुके हैं, धर्म अर्थात आत्मा का निज धर्म, आत्मा के मूल संस्कार, हम वापस अपनी वो संपूर्ण पवित्रता, शक्ति, प्यार, उस स्थिति पर हम वापस कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सत्युगी संसार लाने के लिए तो सत्युगी संस्कार चाहिए, तो सत्युगी संस्कार हमारे बनेंगे कैसे? इसीलिए इस घोर रात्रि के समय ही परमधाम से निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु है ना शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस रात्रि के समय ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शिव रात्रि, रात्रि के समय अवतरित होते हैं ना, इसीलिए महाशिवरात्रि।